और खुला ले रहे हो तो आपके 16 रुपये बच रहे हैं। चीज़ सेम है, सब कुछ सेम है। ये गेम होता मॉल, सावधान रहें, सतर्क रहें। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी खाना पीना सब कुछ हो गया है, मैंने कहा बहुत खाना दिखा दिया, ज़्यादा खाना दिखाऊँगा तो गाड़ी आ जाएगा मुझे बहुत अच्छे तरीके से। और अभी बुआ आई है पापा से मिलने के लिए, ये बैठी हमारी बुआ। हेलो बुआ। ये मम्मी पापा बैठे हुए और हम चलते हैं जरा गरीबों के मॉल, विशाल मेगा मार्ट, जरा वहाँ से कुछ सामान लेके आते हैं फटाफट से। और वहाँ पे सोनू महाराज भी हमारा वेट कर रहे हैं, मिल के आते हैं। सोनू महाराज, सोनू महाराज मिल गए हमें। सोनू महाराज ने पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करी है, पता नहीं सोनू महाराज क्या क्या ले रहे हैं। और ये है भाई गरीबों का मॉल, विशाल मेगा मार्ट, गरीबों का जीआईपी मॉल, गरीबों का डीएलएम मॉल। ओचा यहीं कहीं नीचे होगा, नहीं यहीं होगा। भाई है तो भी कसम से औरत से कम नहीं है। तो अभी आप लोगों को एक चमत्कार दिखाता हूँ, देखना उसे ध्यान से और समझना क्या सीन है। ये देखिए, ये एक बिस्कुट का पैक है पूरा 90 रुपये का, और ये आफ्टर डिस्काउंट आपको पड़ेगा 76.50। और इसके अंदर जो पीस हैं वो हैं 6 पीस का पैक है ये, ठीक है, 6 पीस का ये पैक है। और इसी का खुला है ये जो इसके अंदर आया हुआ है। और एक पीस ये है 10 रुपये का, ये देखिए, यानी इसके 6 पीस जो हैं, इसके 6 पीस जो आपको पड़ेंगे 60 रुपये के। और इसी में ये 6 पीस अगर आप लेते हो तो ये पड़ते हैं आपको 76.50 रुपये, यानी 16 रुपये एक्स्ट्रा। तो भाई ये चीज़ ज़रा ध्यान में रखो, यही गेम होता है इनका और लोग इसी में फंसते हैं। मतलब एक पैक, सिर्फ पैक बनाने के आपको 16 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। और खुला ले रहे हो तो आपके 16 रुपये बच रहे हैं। चीज़ सेम है, सब कुछ सेम है, ये गेम होता है मॉल का। तो हर चीज़ों में ऐसा नहीं है, तो हर चीज़ मतलब जांच परख के लें। कुछ कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लोग सोचते नहीं है, जहाँ पे आपकी जेब पे ज़्यादा असर नहीं पड़ता वहाँ पे ऐसा गेम है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएगा सारा कुछ, तो फिर भी सावधान रहें, सतर्क रहें। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ कैलाश से जो दवाई लाया था वो वापस करने के लिए। और यकीन मानो मैंने इन्हें फ़ोन किया था, इनके जो भी इनका सर्विस का जो इन्होंने कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने उन्हें बोला कि मुझे जो दवाइयाँ मैंने ली थी वो मेरी यूज़ में नहीं आई, वापस करने चाहता हूँ, तो क्या हुआ है। और बार बार ये कॉल काट रहे थे, 3-4 बार हुआ। फिर मैंने धमकी दी कि भैया तुम कॉल काट रहे हो क्या, मैं वहाँ नहीं आ सकता। तो भाई उसके बाद इन्होंने कॉल ट्रांसफ़र किए फार्मेसी पर, तब जाके। तो मतलब इतने बड़े बड़े, एक बंदा इनके यहाँ पर अगर घुस जाए तो उससे हज़ारों से लाखों बना देते हैं, मगर इनकी 4-5 हज़ार रुपये किसी, कोई इनकी चीज़ वापस कर रहा वो देने की इनकी हिम्मत नहीं है। तो इतना मतलब कितना बड़ा क्या ही चाहिए, मतलब आज की डेट में समझ नहीं आ रहा इंसान किस लेवल पे गिरना चाहता है, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तो फिलहाल तो बोल दिया उन्होंने ठीक है, जब उन्होंने बोला कि मैंने भैया मैं तो वहाँ के हंगामे भी कर सकता हूँ, तुम कितना कॉल निकाल काट दोगे तो क्या होगा, पर ठीक है फाइनल में बात होकर तब जाके वापस करके आते हैं दवाइयाँ पहले। घर वापस आते टाइम बारिश हुई बहुत ज़्यादा ज़ोरों से, हम बीच में ही फंस गए। खाने की तैयारी हो गई है और खाना बना रही हमारी अन्नू पहलवान। अन्नू पहलवान कैसा चल रहा है? बेलन चल रहा है। और खाना बना यहाँ लगा दिया है, सोनू ने खाना कर दिया स्टार्ट। सोनू साहब सब बढ़िया? और इधर खाने में है आलू की सब्ज़ी, तरी वाली और रोटी।
तो आज के ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, और पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करो चैनल और वीडियो शेयर करो।